हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में आज हम बनाएंगे पोहा। पोहा बनाने के लिए हमने ये पोहा भिगो के रख दिया था 20 मिनट पहले। ये हमने ले लिया मटर, गाजर, मैगी मसाला, हरा मिर्च, प्याज और ये जीरा और हल्दी। तो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं अभी पोहा। तो फ्रेंड्स, इधर हमने चढ़ा दी कढ़ाई। कढ़ाई में डाला है तेल। तेल हमारा अच्छे से गर्म होता है, फिर हम इसमें डालते हैं जीरा। तो फ्रेंड, तेल गर्म हो गया, अभी हम डाल देते हैं इसमें जीरा। तो फ्रेंड, जीरा हमारे चटक गए हैं, अब हम डाल देते हैं इसमें प्याज, हरा मिर्च, तो फ्रेंड्स हम प्याज डाल के इसको भून लेते हैं, प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। तो फ्रेंड्स, हम प्याज जो है भून लिए हैं थोड़ा। अभी इसमें ऐड कर देंगे मटर, कटा हुआ गाजर, इसको भी हम भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि हमारी सब्जियां अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा हल्दी पाउडर और ये हमने जो लिया था मैगी मसाला। उसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जियां पक गई हैं हल्का। तो अभी हम इसमें डाल देंगे पोहा। पोहा डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी पोहा बना के ट्राई करिए। ये हेल्दी होता है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, सबके लिए। ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है और ये झटपट तैयार हो जाता है। टिफ़िन में भी बच्चों के रख सकते हैं आप लोग, और चाय के साथ तो नाश्ता वैसे भी ये है। तो फ्रेंड्स, हमने इधर चढ़ा दी थी चाय। पोहा बनके हो गया है तैयार। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय।